इंजीनियर आज बात करने वाले रिवर सेंट और एम सेंट के बीच में अंतर क्या है, कौन सी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए अपने घर में यूज़ करनी चाहिए, कौन सी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए अपने क्लाइंट के यहाँ यूज़ करनी चाहिए, और किस तरीके से अपन लोग डिसाइड करें कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जो रिवर सेंट अच्छी है या फिर एम सेंट अच्छी है, अपन लोग ये पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल कोचिंग, सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सभी के लिए सिविल कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं एम सेंट और रिवर सेंट दोनों के बीच में क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है अपना कंस्ट्रक्शन करने, कहाँ पर मैं रिवर सेंट यूज कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं एम सेंट यूज करता हूँ, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अपन लोग ये समझते हैं कि अपन लोग को एम सेंट लाना क्यों पड़ा, एम सेंट की जरूरत क्या है। अब एम सेंट की जरूरत से पहले अपन लोग सेंट को समझते हैं, सेंट में क्या हो रहा है। जितने भी अपन लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के किसी भी पार्ट की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, रोड की कर रहे हैं, बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सब में सेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ग्लोबल स्केल के लिए है, मिलियन टन के हिसाब से बता रहा है, तो 2010 तक इतना इंक्रीज हो चुका था कि जो डिमांड थी उतनी अपने पास सप्लाई ही नहीं थी। अब सप्लाई क्यों लिमिटेड थी, जो आपका रिवर है, रिवर से अपन लोग सेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर एक दिक्कत आती है। सबसे पहले अपने पास ये नेचुरल रिसोर्स है, बनने में बहुत टाइम लगता है और वहाँ पर डिप्लीशन आ रहा था। अब वहाँ पर कम हो रहा था, उससे नुकसान क्या हो रहा था, वहाँ पर आसपास इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब इकोसिस्टम को छोड़ो, आसपास के ब्रिजेस में तक नुकसान होने लगा है कि एक ब्रिज अभी रिसेंटली टूटा है, अब उसमें अभी डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इसी के कारण कि वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही थी, मोस्ट प्रॉब्ली यही कॉज निकाला जा रहा है। जैसे ही उसका कंक्लूजन आता है तो आप लोग को मैं बता भी दूंगा इस तरीके का कारण ब्रिज का कोलैप्स हुआ है। तो अभी जो सस्पेक्टेड है वो यही है कि वहाँ पर इलीगल माइनिंग हुई है, इलीगल कहते हैं सेंट की माइनिंग हुई है। अब इलीगल सेंट की माइनिंग क्यों हुई, इलीगल सेंट की माइनिंग इसके कारण हुई, सेंट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, उतना अपन लोग सप्लाई नहीं कर सकते, सप्लाई क्यों नहीं कर सकते, एनवायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ अपने पास लिमिटेड रिसोर्स है। अब ब्रिज कैसे टूट गया, ब्रिज इस तरह से टूटा कि जो आपकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन के आसपास की भी सैंड माइनिंग करने लगे। अब उसको करने लगे तो फाउंडेशन का ढंग का बेस ही नहीं बचा, तो उसके कारण मोस्ट प्रॉब्ली कॉज है कि ब्रिज वो कोलैप्स हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, इसका सॉल्यूशन निकाला गया एम सेंट, जो कि होता है मैन्युफैक्चरिंग सेंट। अब इसमें ये बनता कैसे, ये तो एक तरह से ये भी आपका नेचुरल प्रोडक्ट है कि नेचुरल से ही है, परंतु सेंट नहीं है, जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं, बड़े स्टोन्स होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग के हेल्प से, फैक्ट्री के हेल्प से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट तोड़ा जाता है जितना अपन लोग का नीडेड है। तो इसी कारण ये मैन्युफैक्चरिंग सेंट या फिर एम सेंट के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि आपका जो एम सेंट है वो आपके रिवर सेंट से चीपर है, सस्ता है। अब ये ध्यान दीजिए, कुछ भी चीज़ अपन लोग पुरानी चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं तो अपन लोग के कुछ बेनिफिट पॉइंट्स होने चाहिए, जो पहले वाले में नहीं थे उसको अपन लोग लाएँ, तभी आपकी प्रोडक्ट आगे मार्केट में आ पाएगी। जैसे अपन लोग ने कुछ दिनों पहले देखा था गांजे से, हाँ गांजे से अपन लोग बनाए थे ब्रेक, उसको वीडियो को पूरा डिटेल में देखना है तो आई सेक्शन में देख लेना। अब उसमें क्या हुआ था, अपन लोग की जो ट्रेडिशनल ब्रेक है उसको रिप्लेस किए, तो कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें डालना पड़ा था। और उसमें ये भी समझ में आता है कि किस तरीके से आप लोग नया प्रोडक्ट ला सकते हैं, आई सेक्शन में वीडियो है, वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हैं। अभी अपन लोग बात कर रहे हैं एम सेंट की। सबसे पहला तो समझ में आ गया चीपर है, और क्या क्या चेंजेस, और क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले जो अपनी रिवर सेंट है वो स्मूथ सर्फेस की होती थी, रिवर के कारण जैसे भी वो उसका फॉर्मेशन हुआ उसके कारण वो हदम स्मूथ सर्फेस की होती है। अब स्मूथ सर्फेस की है, साथ ही साथ वो रिवर के आसपास रहता है और रिवर मॉइस्चर को अपने अंदर बाइंड करके रख सकता है। परंतु बात करें एम सेंट की, एम सेंट एंगुलर होती है, मतलब एकदम स्मूथ सर्फेस, जैसे अपन लोग स्पीयर ये सब सर्फेस की नहीं रहती, वो एंगुलर शेप की रहती है। एंगुलर शेप होने के कारण क्या, ये मॉइस्चर खुद से पहले कंटेन करके नहीं रखती। हाँ इसमें अपन लोग मॉइस्चर की बात करें तो अपन लोग मॉइस्चर कंटेंट डाल सकते हैं और ये अवेलेबल रहेगा, कहीं अपन लोग खुद से डाल लें, परंतु इन जनरल रिवर सेंट में मॉइस्चर पहले से अवेलेबल रहता है। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि मॉइस्चर है कि नहीं है। अब जैसे रिवर सेंट में पहले से मॉइस्चर रहता है ना, तो वर्केबिलिटी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू एम सेंट। एम सेंट अपन लोग को वाटर ऐड करना पड़ता है तब वहाँ पर वर्केबिलिटी अच्छी निकलती है। सेम आपके सीमेंट के लिए, सीमेंट आपको रिवर सेंट में थोड़ा सा कम लगता है, आप एम सेंट की बात करें तो सीमेंट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगने लगती है। अब दूसरी बात करें सिल्ट प्रेजेंट, अब सिल्ट का प्रेजेंट कहाँ पर हो सकता है, रिवर सेंट में सिल्ट का प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि वो वहीं से उठाया जा रहा है अपन लोग, तो सिल्ट प्रेजेंट अपन लोग का लगभग 3% का परमिसिबल है। परंतु 3% से ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, आपके स्ट्रक्चर में डैमेज आने लगेगा। सिल्ट कंपोजिशन कहीं 3% से ज़्यादा हो गया तो आपके स्ट्रक्चर की, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को कम करने लगता है। और जनरली अपन लोग देखें कि सिल्ट प्रेजेंट कहीं नेचुरल ऑकरिंग अपन लोग सेंड लेते हैं, डायरेक्ट उठा लेते हैं, तो 5 से 20% का रहता है। जनरली अपन लोग के साइड में आता है तब तक वाटर वॉश हो चुका रहता है, तो उसके कारण वो कम हो चुका रहता है। परंतु एम सेंट की खासियत है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, जीरो सिल्ट प्रेजेंट। अब जीरो सिल्ट प्रेजेंट क्यों है,
ये अपन लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये अपन लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इससे कारण इसमें जीरो सिल्ट आता है। अब बात करें कंक्रीट की स्ट्रेंथ की, आपके एम स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिवर्स एंड। अब इंजीनियर्स, जैसे कि आपको पता है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में आपको मिलता है पूरा बिल्डिंग प्रैक्टिकल स्किल, साथ ही साथ आपको मिलता है आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग, उसके बाद आपको मिलता है स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग और साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। उसके बाद आपको एडिशनल पार्ट मिलने वाला है रोड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसकी प्राइस होने वाली है 66,500, परंतु ये आपको मिलने वाला है 17,519 में। ये आपको स्पेशली मिल रहा है फ्रीडम सेल के उपलब्ध में, जो कि रहेगा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। इसमें एक और चीज़ है, ये लिमिटेड लोगों के लिए है, लिमिटेड इंजीनियर्स के लिए, और वो इंजीनियर्स के नंबर है 1947, मतलब 1947 इंजीनियर्स इसमें एनरोल हो सकते हैं। ये नंबर स्पेशल है, अपनी आज़ादी के ईयर पे है 1947। अब आपको इसमें मिलने के वाला है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा, जितना भी आपको बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स में मिलता था वो पूरा मिलेगा, साथ ही साथ आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में भी जो कोर्सेज मिलते थे। परंतु इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है, जो कि है सर्वे, जो कि ऑटो लेवल से किया जा रहा है, उसको पूरा आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। साथ ही साथ आपको आर्किटेक्चरल फील्ड में चार नई चीज़ मिल रही है। सबसे पहले आपको वीडे मिल रहा है, उसके बाद लूमियन एनस्केप, और साथ साथ वास्तु कैसे होता है उसके बारे में भी पूरा डिटेल। इसमें आपको पूरा रोड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की पूरी चीजें मिलने वाली। इसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कीजिए 9111001234 में। साथ ही साथ आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं, वो भी ISO सर्टिफाइड। तो वापस चलते हैं अपने वीडियो में 234 में। अब वापस बात करते हैं रिवर्स एंड और एम सेंड दोनों का। अपन लोग ने अभी तक देख लिया कि कंक्रीट स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, क्या सिल्ट प्रेजेंट किसमें हो रहा है। अब देखते हैं साइज का, कि आप रिवर्स एंड जब लेते हैं तो क्या ओवरसाइज आ जाता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वो नेचुरल ऑकरिंग है, तो वहाँ पर अपन लोग को ओवरसाइज मिल जाता है, लगभग 1-6% तक ओवरसाइज अपन लोग को मिल जाता है। परंतु जब एम सेंट की बात करें तो एम सेंट ये तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद, तो इसमें आपको ओवरसाइज नहीं मिल पा रहा। अब बात करें मरीन प्रेजेंस की, यही सेम आपका रिवर साइड से है, तो रिवर साइड में मरीन प्रेजेंस रहता है, लगभग 1-2% का हो सकता है, मतलब अब सी शेल हो गए, पेड़ के थोड़े से टुकड़े हो गए, बुशेस हो गए, इस तरह के, परंतु ये तो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इसमें कोई चांसेस नहीं है होने की। अब इको फ्रेंडली कौन सा हो गया, डायरेक्ट बात करें तो एम सेंड आपका इको फ्रेंडली हो गया। परंतु रिवर्स एंड में क्या दिक्कत आ रही है, सबसे पहला ये पूरा नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल है, अपन लोग नेचर से डायरेक्ट लेते जा रहे हैं, तो वहाँ पर रिफर्विश नहीं हो रहा, वापस आ नहीं रहा, तो जिसके कारण ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही साथ ये ग्राउंड वाटर टेबल को भी डिक्रीज कर रहा है और आसपास के एनवायरनमेंट को भी कॉज कर रहा है। अब इसकी बात करें एम सेंड वैसे तो है नेचुरली, क्योंकि आपके बोल्डर्स हैं वो सबको तोड़ के ही बन रहा है, परंतु रिवर्स एंड के कंपैरिजन में ये कम डैमेज क्रिएट करता है। अब बात करें क्वालिटी की, अब रिवर्स एंड की आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल ऑकरिंग है। आप हाँ साइट चूज़ कर सकते हैं कि कौन से जगह की रिवर के आसपास का सैंड ज़्यादा अच्छा है, कौन से जगह का नहीं है, परंतु आप चॉइस नहीं कर सकते कि यहाँ से ले रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। परंतु एम सेंड अपन लोग के कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अपन लोग उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करें एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन रिवर्स एंड की बात करें तो रिवर्स एंड RCC वर्क के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ प्लास्टरिंग के लिए अपन लोग अभी भी रिवर्स एंड का यूज़ प्रेफर करते हैं। परंतु यही चीज़ अपन लोग एम सेंड के कंपैरिजन में देखें तो एम सेंड भी तीनों जगह यूज़ हो सकता है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, दोनों तो हर जगह यूज़ हो सकता है, डिफरेंस ये हो जाता है कई बार आपको इसमें ग्रेडिंग करना पड़ जाता है एम सेंड में, कि आपको कहीं प्लास्टर के लिए यूज़ करें स्पेसिफिक साइज़ की आप यूज़ करेंगे। रिवर्स एंड जनरली ओवरव्यू चल जाता है, परंतु एक और प्रॉफिट है आपके एम सेंड में कंपेरेटिवली रिवर्स एंड में। जब आप लोग मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो रिवर्स एंड के कंपैरिजन में एम सेंड ज़्यादा अच्छा होता है। आप डिटेल में मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपके रिवर्स एंड में क्या होता है, जितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, जितना सिल्ट प्रेजेंट है, वो एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं हो पाता, तो उसके कारण ये दिक्कत देता है। यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। इसी तरह के पूरे सिविल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरु जी के साथ। करना है खास, चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।